गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड नियरली ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. नाउ लेट अस सी सम एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस. ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको करना ही है कंपलसरी. तो अभी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज, अभी आपको फोर ऑप्शंस दिए हैं. क्या वो नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, होल नंबर के रियल नंबर. अभी ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, तो आपको एग्जाम्पल लेके डिसाइड करना है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है. आप एक एग्जाम्पल लेके देखिए, फिर दूसरा एग्जाम्पल लेके देखिए, और वो दोनों एग्जाम्पल के लिए जो आंसर कॉमन है वही ऑप्शंस इसमें से होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है थ्री. थ्री ये रैशनल नंबर है. ओके, क्या थ्री ये नेचुरल नंबर है? हाँ है. थ्री इंटीजर भी है, थ्री होल नंबर भी है, थ्री रियल नंबर भी है, यानी सब ऑप्शंस हो गए करेक्ट. तो इस केस में हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल 2/3. अभी एक एक चेक करेंगे हम, क्या 2/3 नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं. 2/3 इंटीजर हो सकता है? नहीं. होल नंबर भी नहीं है, लेकिन 2/3 रियल नंबर है. तो इस तरह से आपको एमसीक्यू में कोई भी ऑप्शंस चूज करने के पहले एग्जांपल लेके देखना है. एक एग्जांपल लेंगे, बाद में दूसरा लेंगे, अगर दोनों से आंसर अलग अलग आ रहा है तो तीसरा लेंगे. ओके, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर टू. बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, ये यहाँ पूछा है. उनका कहना है फर्स्ट ऑप्शन, देर इज नो रैशनल नंबर. ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी टू रैशनल नंबर, मान लीजिए 2/5 है और 11/5 है, इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट. तो इन्होंने कहा है कि देर इज़ नो रैशनल नंबर, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है. सेकंड, देर इज़ एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर. कैसे हो सकता है, इसके बीच में तो कितने सारे रैशनल नंबर है. जैसे हम लिख सकते हैं अभी 3/5 लिख सकते हैं ना, 3/5, बाद में 4/5, बाद में 5/5, 6/5. तो ये सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है. आपको समझ में आ रहा है? ओके, नाउ देर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर, ये ऑप्शन मे भी हो सकता है, लेकिन फोर को चेक करेंगे हम. देर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर. इनका कहना है, मान लीजिए ये एक रैशनल नंबर है और दूसरा रैशनल नंबर है 4/7, और उनका कहना है कि उसके बीच में सिर्फ रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नहीं होते. बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं. ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. एक जीरो, एक मिनट, रैशनल नंबर का लेना है ना, 1/2. इसको लिख सकते हैं हम 0.5, और कोई एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल 4/5, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा 0.8. अभी देखिए, 0.5 और 0.8, इसके बीच में तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, ये हमको पता है. ओके, अभी देखिए इरेशनल नंबर है कि नहीं. देखिए, हम निकाल सकते हैं 0.50, 500, 5000, ये है पहला इरेशनल नंबर. दूसरा 0.60123017, 9 एंड सो ऑन. तो इस तरह से इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है. द करेक्ट ऑप्शन है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. आई बात समझ में? एग्जांपल लेके आपको उसको चेक करना है. ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी. अभी डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं. कौन से होते हैं? एक तो टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है. होता है तो होने का ये है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैनॉट बी, हो नहीं सकता. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, हो सकता है ना. नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है. हमको चाहिए क्या नहीं हो सकता.
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है। हमें पूछा है क्या नहीं हो सकता, तो क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए ना, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर क्या नहीं हो सकता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये किसका है, इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन है वो। तो इसीलिए हर क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है। हम जल्दी से पढ़ते हैं कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर, और पटापट लिख देते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो कि गलत है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है डी। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, अभी कोई एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल रूट 2 इंटू रूट 5, इसका आंसर क्या आएगा? हम सब जान चुके हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 10। मैंने कहा ना, एक एग्जाम्पल से हमारा मन नहीं भरता है तो दूसरा लेना है, तो दूसरा लेंगे हम फॉर एग्जाम्पल रूट 2 इंटू से रूट 8, तो ये हो जाएगा रूट 16 और ये हो जाएगा 4। देखो अलग अलग आंसर आए हैं। अभी ऑप्शन चेक करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर भी ऑलवेज इरेशनल, ऐसे हो सकता है क्या? यानी हमेशा इरेशनल होगा, लेकिन इसका क्या करेंगे, ये तो रैशनल आया है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है ना। उनका कहना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ये हमेशा इरेशनल ही होगा, ऐसे कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है इरेशनल, लेकिन यहाँ तो रैशनल आ रहा है ना, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड, ऑलवेज रैशनल नंबर, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ऊपर यहाँ आया है इरेशनल और यहाँ है रैशनल, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। सी ऑप्शन, ऑलवेज एन इंटीजर, ये भी रॉन्ग है। हाँ, अभी डी देखिए, समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल, ये ज़्यादा रिलीवेंट है, ये ज़्यादा क्लोज है, कभी रैशनल होता है कभी इरेशनल होता है, ये देखिए कभी रैशनल 4 तो कभी इरेशनल रूट 10। तो इसलिए आपको कोई भी MCQ का ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन लिखने के पहले एग्जांपल्स लेके देखने हैं। आई बात समझ में? ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ नंबर रूट 2 इज, एक्चुअली रूट 2 की वैल्यू, रूट 2 ये इरेशनल नंबर है आपको पता है, और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसे होता है? डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अभी ये ऑप्शन कहाँ है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये करेक्ट ऑप्शन है डी। लेकिन बाकी ऑप्शन के बारे में सोचेंगे, क्या ये फाइनाइट डेसिमल होगा, यानी फाइनाइट डेसिमल एक्सपांशन होगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा? नहीं, ये तो रैशनल नंबर का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। क्या बी ऑप्शन हो सकता है, 1.41421, ऐसे ही रूट 2 की वैल्यू है, लेकिन ये रॉन्ग क्यों है पता है? रूट 2 ये इरेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो ये करेक्ट होता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है ना, और रूट 2 तो इरेशनल नंबर है, इसका एक्सप्रेशन, इसका डेसिमल एक्सपांशन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, और बी में तो ये नॉन ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, इसलिए रूट करेक्ट ऑप्शन है डी। ओके, क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। बस अभी आपको एक एक ऑप्शन सॉल्व करना है और चेक करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है 2/3, स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो क्या ये इरेशनल है? नहीं है। सेकंड को सॉल्व करेंगे, सेकंड को सॉल्व कैसे करता है, तो रूट 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और अपॉन तो रूट 3 है ही, अभी ऊपर 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, तो ये होगा 2 और रूट 3 अंदर ही रहता है, और नीचे वाला ये रूट 3, अभी ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये सेम है, तो बाकी रहता है 2, तो क्या 2 इरेशनल है? नहीं। आपको बात समझ में आ रही है ना, यानी ऑप्शंस को सॉल्व करना है और बाद में डिसाइड करना है, और ये रूट 12 को ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट में 4 इंटू 3, ये यहाँ का 3 और यहाँ का 3 कैंसिल नहीं होता क्योंकि ये 3 है,
एक मिनट, ये कैंसिल होगा लेकिन ये सबसे पहले इस स्क्वेयर रूट को डिवाइड करना पड़ेगा फोर और थ्री के बीच में, ये ऐसे कैसे ऐसे करते हैं वो। अगर ऐसा होता तो बाद में आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या क्या आती है, टू। तो इस तरह से टू ऑप्शन इरेशनल नहीं है, सो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। हाँ, रूट सेवन इरेशनल है, ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसके बारे में भी थोड़ा सोचेंगे क्या है ये। स्क्वेयर रूट 81, इसकी वैल्यू तो 9 आती है, ये तो रैशनल है, हमको चाहिए इरेशनल, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। ओके, नाउ क्वेश्चन 7, इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? नेचुरली द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हो रहा है। ओके, ये तो रैशनल नंबर का एक्सपांशन है, हमें चाहिए इरेशनल नंबर। ये जो एक्सपांशन है ये भले नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ये भी नहीं है ये ऑप्शन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये पहले तीन ऑप्शन से रैशनल नंबर के और हमें चाहिए इरेशनल नंबर, उसका आंसर होगा ये। ओके, तो इसका आंसर ये डी होगा। अभी ये क्वेश्चन, द रैशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री इज। अभी कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शंस में कोई इनफाइनाइट वर्ड नहीं है, आपको एक नंबर निकालना है, एक ही नंबर दिया है उसमें, तो वो कैसे निकालेंगे? तो आपको शायद पता होगा, मान लीजिए एक नंबर है कोई भी एक्स और वाई, इट मे बी एनी नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, सो ऑन। अभी इसके बीच में हमें जो नंबर रहता है उसको निकालना है, तो उसके एक प्रोसीजर है, दोनों का ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय टू करते हैं, याद है एवरेज निकालते हैं हम, तो वही मेथड आपको यहाँ अप्लाई करनी है। यानी ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा होगा, ये देखिए ना, ये रूट टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। ओके, और ये बाकी ऑप्शंस के बारे में भी आप सोचिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 1.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अभी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो मैंने आपको पढ़ाया है, देखिए इस नंबर को एक्स लेना एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इस तरह से इस की वैल्यू एक्स लेके आप उसको सॉल्व करके देखिए, लेकिन मुझे लगता है ये जो यहाँ ये जो है ना ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला ऑप्शंस, ये शायद रॉन्ग है। एग्जांपल मुझे देखना पड़ेगा, ये एग्जांपल शायद ऐसा होगा 1.999 ओनली, और उसका डेसिमल एक्सपांशन ये सॉरी उसका रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ये होगा 1999 अपॉन 1000। तो एक बार मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, तो मुझे लगता है ये यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ 2√3 प्लस रूट थ्री इज। याद है मैंने आपको इक्वल सर्ट्स लाइक सर्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये है लाइक सर्ट्स, इसके एडिशन होती है। तो एडिशन कैसे होती है, तो आप जानते हैं वो जो सेम वाला पोर्शन है इरेशनल पोर्शन, उसको बाहर निकालते हैं और ब्रैकेट में यहाँ से रहता है 2 प्लस और यहाँ से रहता है 1 और ये हो गया 3। तो इस तरह से आंसर है 3√3। देखिए कहाँ ऑप्शन है ये 3√3, ये है सी, ये मैंने आपको पढ़ाया है, अगर भूल गए तो देख लीजिए एक बार। अभी ऑप्शन 11, क्वेश्चन 11, √10 × √15 इज इक्वल टू। अभी हमारा ये भी हो चुका है, √10 × √15 को हम लिख सकते हैं, याद कीजिए स्क्वेयर रूट सेम है, यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट है, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है अंदर 150। ओके, बाद में यहाँ ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस 150 के आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो वो आता है 2 × 3 × 5 × 5। अभी उसमें से ये बन जाता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, याद कीजिए 8 क्लास में आपने जब स्क्वायर रूट निकाला था
तब अंदर अगर एक नंबर रिपीट होता है तो वो नंबर एक बार बाहर निकल जाता है, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकल जाता है, और ब्रैकेट के अंदर रहता है 2 × 3, ये तो एक ही बार है, और वो होता है 6। तो 5√6 ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 12। द नंबर ऑप्टेन ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर हमको रैशनलाइज करना है, तो प्रोसीजर आप जानते हैं। तो ये है नंबर 1/√7-2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे √7+2 से, और नीचे भी √7+2 से, याद कीजिए। अभी न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर ये हो जाएगा √7+2, और √7-2 √7+2, a + b a - b a + b, आइडेंटिटी a² - b² तो वो हो जाएगा √7+1, तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, सॉरी √7+2 ये ऐसे ही रहेगा, और नीचे रहेगा √7² - 2² आइडेंटिटी है ना, a - b × a + b, तो ये हो जाता है, ऊपर न्यूमरेटर तो वैसे रहेगा और नीचे होता है, ये होगा 7 और ये होगा 4 और ऊपर न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 3 आएगा और ऊपर न्यूमरेटर ये वाला। तो देखिए ऑप्शंस कहाँ है, √7+2/3, √7+2/3 ये फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके आंसर निकालना है। ओके, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा।